हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। बहुत खांसी हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब है मेरा, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और थोड़ा टॉपिक का इशू था, मेरे दोस्त ने अपना बाइक 10,000 किलोमीटर रन कर लिया है। उसका अपाची आरटीआर 200 है, मैट रेड कलर का। तो उसके बाइक का जो रॉ पिकअप है वो कम हो गया था, इसके वजह से उसके बाइक का इंजन फ्लश करना पड़ा। और फ्लश का जो प्रोसीजर है वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और इंजन ऑयल फ्लश करना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। मैंने यहाँ पे वुड का इंजन ऑयल फ्लश यूज़ किया है, 4 स्ट्रोक है ये। और ये आपको लोकल मार्केट में बहुत चीप मिल जाएगा, 150 रुपीज़ का मिल जाएगा 50 ग्राम। तो आप इसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं अपने बाइक में, हाफ ऑफ करके। तो आपको पहले मेजर कर लेना है इसका हाफ, और उसके बाद उसको आपको इंजन के जो ऑयल फिलिंग जो कैप है उसको निकाल के आपको डाल देना है। और थोड़ा देर आपको 10 मिनट तक बाइक अपना आइडल में रखना है। और फिर बाइक को आइडल में रखने के बाद आपको इंजन ऑयल को ड्रेन कर लेना है। 18 नंबर का जो गोटी है उससे ड्रेन कर, जैसे कि देख सकते हैं इंजन ऑयल का कलर और थिकनेस कितना है, मतलब थिकनेस कुछ बचा ही नहीं है इसमें, पूरा एकदम जो है सब साफ करके निकाल दिया। ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए आपको 3 8 mm के 8 नंबर के गोटी से आपको ये तीन जो बोल्ट है इनको निकाल लेना है। उसके बाद जो ऑयल फिल्टर का कैप है वो निकल आएगा। और ऑयल फिल्टर को आपको जेंटली निकालना है, कोई मतलब डेंट वेंट ना आ जाए इसमें ऑयल फिल्टर। निकालने के बाद ऑयल फिल्टर का जो चेंबर है उस चेंबर को आपको क्लीन करना है। चेंबर को क्लीन करने के बाद ऑयल फिल्टर का जो अच्छे से एक साफ क्लोथ से जो कैप है उसको भी आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन कर लेने के बाद आप नए ऑयल फिल्टर को डाल दें अंदर और कैप को लगा दें। बट मेक श्योर कि आपका जो 3 बोल्ट है वो 3 बोल्ट ठीक अलाइनमेंट में हो। जो कैप है उस कैप का एक एरो, जो एरो है वो डाउन साइड में जाएगा, और इंजन के 2 साइड में लेफ्ट और राइट साइड में छोटे छोटे बोल्ट है, छोटे छोटे बोल्ट लगेंगे। और ऊपर के साइड में जो लंबा बोल्ट है वो लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे मोतुल का 7100 इंजन ऑयल यूज़ करने वाला हूँ, 10W40, फुल्ली सिंथेटिक है ये। आपको लोकल मार्केट में 750 रुपये में का पड़ेगा। अगर आपका अपाची 200 है तो आपको 2 बॉटल लेना पड़ेगा, एक बॉटल एक पूरा चला जाएगा 1 लीटर, और दूसरे बॉटल से आप 200 ml यूज़ कर सकते हैं।
200 ml कैसे यूज़ करना है ये देख लीजिए आप। 200 ml यूज़ करने के लिए आपको 200 ml बॉटल के साइड में मेजरमेंट है 1900 800 800, तो आपको 1000 से सीधा एकदम 800 तक डाल देना है। डाल देने के बाद आपका काम पूरा एकदम ख़त्म हो गया। बस अब अपने बाइक को लेके एंजॉय कीजिए। और रही बात इंजन ऑयल फ्लश की, तो मैं यूजुअली ये इंजन ऑयल फ्लश नहीं करता हूँ। मैंने ये किया क्योंकि मेरे दोस्त के बाइक का जो परफॉर्मेंस था वो एकदम घट गया था। वो TVS का ट्रू फोर फुल्ली सिंथेटिक जो इंजन ऑयल आता है बाइक के साथ, वो यूज़ कर रहा था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि मोथुल 7100 डाल के देखो, तो वो उसने डाला, तो अभी तक उसके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और स्टिल मैं खुद भी यूज़ करता हूँ वो इंजन ऑयल, 5-6 बार मैंने यूज़ किया है, तो मुझको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। रही बात प्रोज एंड कॉन्स की, तो मोथुल 7100 से आपके बाइक का जो इंजन जो हीट करता है ना, वो हीट कम करेगा और आपके बाइक में वो स्मूथनेस आ जाएगा, गियर बॉक्स स्मूथ हो जाएगा, क्लच स्मूथ हो जाएगा और माइलेज भी इंक्रीज़ होगा इससे। और जो कॉन है, कॉन सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है, ये विंटर के सीज़न में, मतलब ठंड के सीज़न में ये थोड़ा कोल्ड स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस और कुछ नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कोई प्रॉब्लम है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।